गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से बताएं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जल्दी से बताएं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज शानदार प्रश्न है आपके, ये टोटल 25 है ना। इससे अपनी तैयारी को आप लोग भाप सकते हैं कि किस स्तर पर आपने अब तक की चीजें पढ़ी हैं। गुड मॉर्निंग है सबको, है ना। निधि पटेल, अजीत साहू, प्रदीप सिंह, है गुड मॉर्निंग है सबको। अजीत, सूरज, स्वाति वर्मा, हाँ स्वाति दीदी गुड मॉर्निंग, आप भी आ गए, बहुत बढ़िया। चलें, आइए जल्दी से चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिएगा बच्चों, धनु यात्रा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक यात्रा, यात्रा जानते होंगे बच्चों, ये यात्रा शब्द से बना है, यात्रा है ना। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की पहचान करनी है। या उस 1847 से शुरू किया गया था, यह साल 2014 में केंद्रीय संस्कृति विभाग के 11 दिवसीय इस धनु यात्रा को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे चुकी है। ध्यान से सुने, भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया जा चुका है। कहानी कुछ इस प्रकार से है, क्यों ये चर्चा में है, क्यों पढ़ते हैं देखना। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट के माध्यम से इस महोत्सव के मनाने की सूचना दी गई, महोत्सव के मनाने की सूचना दी गई। ये तो रहा पहला पॉइंट जिसके कारण ये चर्चा में रहा। दूसरी बात करते हैं बच्चों, दूसरा देखिए, 1947 और 48 में इस पर्व के मनाने की शुरुआत हुई थी, इस पर्व के मनाने की शुरुआत हुई। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये मनाया क्यों जाता है? तो मनाया इसलिए जाता है बच्चे, यह भारत के आजादी के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये भारत की यह आजादी के लिए शुरू किया गया उत्सव है, आजादी के लिए शुरू किया गया उत्सव है। अगला पॉइंट देखिएगा, ये 75वां मनाया जा रहा है इस समय, 75वां मनाया जा रहा है, ये 11 दिन तक चलने वाला है। आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि गुरुजी ये मनाया कहां जाता है? तो मनाया जाता है बच्चों ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। एक एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है ये 1847 में नहीं, 1947 और 48 में इसको शुरू किया गया था, और ध्यान रखें 2014 में इसे केंद्रीय संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया जा चुका है, और इस वर्ष ये मनाया गया, ठीक है ना, इस वर्ष ये मनाया गया। रविंद्र बाबा आ गए, बहुत बढ़िया है ना, आ गए, आज तुम टाइम से आए हो। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुण नायक अभी भी कह रहा हो सी होगा इसका, सी में कह रहा है, दोनों सही हैं। और बेटा ये बताओ, 100 साल पहले शुरू करने की बात कर रहा है, जबकि 100 साल बाद शुरू हुआ ना, उत्तर बताओ जल्दी से क्या होगा? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग, हाँ बताओ जरा, 100 साल का अंतर है ना। ये कह रहा है शुरू हुआ 1847 में, जबकि शुरू क्या हुआ? अरे ए, फिर से वही, ए तो हो ही नहीं सकता ना, पहला तो गलत है, सीधे सीधे 100 साल पहले शुरू करने की बात कर रहे हैं। केवल 2 सही होगा ना इसमें, केवल 2, इतना आसान सा सवाल प्रदीप, है ना कविता, बहुत बढ़िया। चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दूसरा सवाल देखें भाई, हाल ही में किस संस्थान को सरकारी क्षेत्र में डाटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड, बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मैं इस सवाल का आंसर नहीं दूंगा, आप लोग खुद समझें और बताएं मुझे कि क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। देखिए बच्चों जरा, आप लोगों ने एक संस्था का नाम सुना होगा, UIDAY, इसे कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटी
आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था जिसके द्वारा भारत में रहने वाले लोगों की पहचान की जाती है। इसमें लोगों के बायोमेट्रिक आंखों की रेटिना का स्कैन और बाकी जो कहते हैं ना कि मूलभूत संवेदनशील सूचनाएं होती हैं, वो सभी संवेदनशील सूचनाएं इस यूआईडी के द्वारा रखा जाता है ना, रखा जाता है। ये अपने काम को संवेदनशीलता के साथ करते हुए और उसकी गोपनीयता को अपने पास रखते हुए कहीं लीक ना हो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत यदि किसी का डाटा किसी अन्य काप के पास चला जाता है तो ये कहा जाता है मौलिक अधिकारों का हनन होगा, मौलिक अधिकारों का। ये अपने आप में बखूबी काम कर रही, जिसके कारण इसे कहा गया बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है यूआईडीएआई। समझ में आया? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक संगठन है जिसको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट, तीसरे सवाल की तरफ चलें भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी है। हाल ही में सिटी बेनी राबुका को किस देश के राष्ट्रपति के रूप सॉरी प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? राबुका, ध्यान रखिएगा, जिस देश की ये प्रधानमंत्री चुनी गई है, भारत के साथ उसका बहुत पुराना रिश्ता है, भारत के साथ बहुत पुराना रिश्ता, जल्दी से बता देंगे किस देश के साथ। देखें भाई, देखें, भारत और हम फिजी की चर्चा करते हैं बच्चों, भारत और फिजी की। 1970 से भारत तथा फिजी के मध्य दूतावास स्थापित। यह एक पुराने भारतीय मित्र राष्ट्र के रूप में है। ध्यान रखें, फिजी ये दूसरी बार फिजी की प्रधानमंत्री चुनी गई है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब एक ऐसा देश जिसके चारों तरफ जल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द्वीपीय देश कहते हैं। बहुत आसान है। नेक्स्ट, लो भाई, ये सवाल पुराना है बच्चों, ये सवाल पुराना है, परंतु इसकी चर्चा अभी हाल फिलहाल में खासकर जनवरी माह में की गई थी। ये हिंदी दिवस मनाया गया था, यही हिंदी दिवस मनाया गया था। अबिरल, यहां तो बहुत पुरानी संस्कृति, आज बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं गई क्या क्लास की? क्या लगता है? प्रधानमंत्री 26 दिसंबर को, सुना होगा आप लोगों ने फतेह सिंह और जोरावर सिंह के विषय में, देखना बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह अर्जुन देव के पुत्र, इनकी स्मृति में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। नेक्स्ट, अगला सवाल, लोसर पर्व कहां मनाया जाता है? जल्दी से बताएं बच्चों, लोसर पर्व कहां मनाया जाता है? सामान्य तौर पर देखें तो नेपाल, तिब्बत, भूटान, इन देशों में भी नए वर्ष के उपलक्ष में यह लोसर त्योहार मनाया जाता है
लोसर त्योहार मनाया जाता है। पूछा है कि भारत में कहां मनाया जाता है, भारत में जल्दी से बताएं बच्चों, भारत में लोसर त्योहार कहां मनाया जाता है, लोसर त्योहार जल्दी से बताएं, लोसर त्योहार कहां मनाते हैं, लद्दाख, हाँ लद्दाख में, ठीक है लद्दाख में मनाते हैं, जानते होंगे जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, देखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद लद्दाख एक यूटी यूनियन टेरिटरी बनाई गई, जिसकी राजधानी कोई बताएगा, जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी जहां प्रत्येक वर्ष नए वर्ष के उपलक्ष में इस त्योहार को मनाया जाता है लद्दाख में, लद्दाख के साथ साथ इन जगहों पर भी। ऑस्कर 2023 के लिए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को नामित किया गया था, जानते होंगे भारत की कुल 4 फिल्में नामित की गई थी, नाटो नाटो का नाम सुना ही होगा, नाटू नाटू को मिल गया अवार्ड, है ना, नाटू नाटू है। चले पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को नामित किया गया था, भारत की किस फिल्म को नामित किया गया था, जल्दी से बताएं बच्चों, जल्दी से बताएं, द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स, ध्यान रखें ये चारों फिल्में शामिल की गई थी, चारों फिल्में, लेकिन पूछा है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में द एलिफेंट विस्पर्स, मैंने देखी नहीं है, अगर आप में से कोई देखे तो जल्दी से बताना और जरूर बताना कि इसमें क्या कहानी है, मैंने नहीं देखा। देखें भाई अगला सवाल है, किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों ने इनके विषय में सुना होगा तो अंडर 19 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कहानी बता रहा हूं अंतिम पंगल, इनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 के लिए, ठीक है ना। अगला सवाल चलेंगे नेक्स्ट, प्रसिद्ध समाजवादी बाबा आप्टे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को चुनना है। इन्होंने अपना पूरा जीवन कुष्ठ रोगियों की सेवा को समर्पित कर दिया, ये सबने अवज्ञा आंदोलन से भी जुड़े रहे, जल्दी से बताएं, गांधी जी ने इन्हें अभय साधक की उपाधि दी थी, इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, जल्दी से बताएं बच्चों इसमें कौन सा सही होगा, जल्दी से बताएं कौन सा सही होगा। देखें भाई बाबा आमटे एक प्रसिद्ध समाज सेवी भारत में गांधी जी के अनुयायी थे। अभय का मतलब होता है जिसे डर नहीं लगता, एक ऐसा साधना करने वाला व्यक्ति जिसे डर ना लगे, अभय साधक की उपाधि दी। देखना ये भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में कब हुआ था, 1942, 9 अगस्त 1942 में। पद्मश्री से भी सम्मानित थे, कुछ रोगियों के लिए पूरा जीवन अनवरत प्रयास करते रहे, है ना। इसमें देखें तो यहां पर लिखा हुआ है सबने अवज्ञा आंदोलन से जुड़े रहे, जो कि गलत है, ये सबने अवज्ञा आंदोलन से नहीं जुड़े रहे, ये अब आप लोगों के लिए कहा जाता है कि इतिहास में प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, है ना। हाँ पद्म भूषण मिला था, अरे सुनो भाई पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है इन्हें, पद्म भूषण और पद्मश्री दोनों मिला है मित्र अविरल, ध्यान से सुनना, पद्म भूषण और पद्म विभूति दोनों ध्यान से सुने।
अब आपके लिए ये हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन ये वैसे भी चर्चा में रहता है, लेकिन इस तरह के जब घटनाएं आती हैं, हाल ही में इनका निधन हुआ है, हाल ही में इनका निधन हुआ है, इनका निधन, जिसके कारण अब ये ऐतिहासिक घटनाक्रम आपके लिए उपयोगी हो जाता है इसे याद करने के लिए। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ चलिएगा। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल निम्नलिखित में से कौन सा है? अब कहोगे गुरुजी ये कैसा सवाल है करंट का, बताता हूं कैसा सवाल है, आप में से है कोई बताएगा? हाँ, पद्म भूषण भी मिला है सर, पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला है। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूं, सबने अवज्ञा आंदोलन, अरे वाह रविंद्र बाबा, ये पता था आपको, वाह बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सैनिक बल सबसे पुराना है? चले भाई, अठारह सौ पैंतीस में कछार लेबी लेबी नामक एक सैन्य संगठन की शुरुआत, सैन्य संगठन की शुरुआत शुरुआत भारत में हुई, भारत में हुई 1920 में। इसका नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर असम राइफल किया गया, असम राइफल किया गया, असम राइफल किया गया। कितना भाई 1920 में? देखिए केंद्रीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद के द्वारा, नित्यानंद के द्वारा शहीदों से संबंधित आंकड़े हाल ही में, शहीदों से संबंधित आंकड़े हाल ही में प्रदर्शित किए गए और बताया गया। जानते होंगे आप लोग कि ये पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आता है, पैरामिलिट्री फोर्स मिलिट्री फोर्स से अलग है क्योंकि ये गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं। किसके मंत्रालय के? गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो और चाहे असम राइफल हो, ये गृह मंत्रालय के अर्थात ये रक्षा मंत्रालय से अलग है, रक्षा मंत्रालय से अलग है। इनसे संबंधित आंकड़ा आया था जिसके कारण ये चर्चा में है। अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे पुराना अर्धसैनिक बल या सबसे पुराना क्या है पैरामिलिट्री फोर्स, तो कौन सा होगा? तो ये होगा असम राइफल, उन 1835 में बना था। नेक्स्ट है कुडम कुंडलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो सुर्खियों में है किस राज्य में अवस्थित है? देखना बच्चों सुर्खियों में है क्यों, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। देखना, रूस से आया फ्यूल, रूस से आया ईंधन, आया ईंधन ईंधन जहां शांतिपूर्वक प्रयोग, शांतिपूर्वक जब जब यूरेनियम का या यूरेनियम उत्पादों का किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से अर्थात बम बनाने के अलावा किसी अन्य तरीके का काम किया जाता है तो हम उसे शांतिपूर्वक उपयोग की बात करते हैं। जहां शांतिपूर्वक उपयोग की शुरुआत हुई, जहां शांतिपूर्वक उपयोग की शुरुआत हुई, ये कई बार चर्चा में रहा और कई बार यहां से सवाल भी पूछे गए। आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार भूकंप आया था जापान में, जापान में भूकंप जिसके कारण 2011 वाला मामला है ना, वहां पर कई न्यूक्लियर पावर प्लांट तहस नहस हो गए थे। उस समय पर कुडम कुंडलम परियोजना को कहा गया कि यहां पर सिक्योरिटी मेजर्स उस हिसाब से नहीं रखे गए जिससे कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो तो लोगों को बचाया जा सके, ठीक है ना, याद रखिएगा। चर्चा में रहा था, अभी भी चर्चा में है, रूस द्वारा आयातित। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? किस राज्य ने सर्वप्रथम? हाँ तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही बात है। चले भाई जल्दी से बता दे, इसका आंसर बताने की कोशिश करें जल्दी से। क्या बाबा आज नींद में हो क्या बाबा रविंद्र? हाँ
आज नींद में हो। सामाजिक प्रगति सूचकांक में देखो बच्चों, गोवा नंबर एक पर, सॉरी पौंडीचेरी पुद्दुचेरी नंबर एक पर, गोवा नंबर दो पर है। गोवा नंबर दो पर है ना, क्या है, भारत सरकार द्वारा जारी जिलों के सामाजिक प्रगति सूचकांक में है ना, सामाजिक प्रगति सूचकांक में किसको, सामाजिक प्रगति सूचकांक का मतलब है कि लोगों में सामाजिक जागरूकता किस प्रकार की है। आज भी बहुत सारे लोग है ना भेदभाव से संबंधित बातें किया करते हैं, इन सबसे ऊपर उठकर कौन प्रदर्शन कर रहा है, तो सबसे ऊपर आपको कहां पर दिखाई देगा, पुद्दुचेरी दिखाई देगा, उसके बाद गोवा है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत में किस वर्ष शुरू किया गया और अभी ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखना बच्चों, दुधारू पशुओं या ऐसे लिख सकते हैं पालतू पशुओं, पालतू पशुओं की संख्या बढ़ाने एवं उनके बेहतर रख रखाव के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में इसके लिए वित्त मुहैया कराया है। इस बार के बजट में इसका उल्लेख है ना, बजट इसका उल्लेख है। 2014 में इसको शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था पशुधन का विकास करना था। और ध्यान से सुने बच्चों, पशुधन के विकास के साथ साथ भारत में इससे दुग्ध उत्पादन में बढ़त देखी गई। 2014 में गोकुल मिशन शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2014 में। अगला सवाल है, हाल ही में सुर्खियों में रहा बेटा कुर्बा समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है बताना है। बेटा कुर्बा समुदाय कर्नाटक के नीलगिरी के निवासी हैं। हाल ही में कर्नाटक के बेटा कुर्बा समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची से बाहर करने के लिए एक विधेयक लाया गया है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी से इनको बाहर रखने के लिए क्या किया गया है, इनको लाया गया है, ठीक है ना। चलें भाई, देखना बच्चों, ये नीलगिरी के क्षेत्र में खासकर केरल और तमिलनाडु क्या है, ये भेड़ के चरवाहे पहले इन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति की श्रेणी में रखा गया था, बाद में इन्हें ओबीसी कर दिया गया। लगातार एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। हाल ही में इन्हें शामिल करने का प्रस्ताव है, जबकि यहां पर क्या किया गया, बाहर निकालने के लिए नहीं, इनको शामिल करने के लिए। ये कर्नाटक के नीलगिरी क्षेत्र में निवासी हैं, ये बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात, इनको शामिल करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहीं पर एक शब्द और आप लोगों के लिए आवश्यक हो जाएगा, बेटा कुर्बा, इनको हिंदी में इसका अर्थ पहाड़ी चरवाहा होता है, इसका अर्थ भी आप लोगों से जीएस में पूछा जा सकता है। बेटा कुर्बा का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखें, बेटा कुर्बा का अर्थ, हाँ बॉट कब करोगे आप सर, क्या बॉट कब करोगे, बॉट
नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, पहाड़ों का चरवाहा। हाल ही में हनुक्का या हनुक्का सुर्खियों में रहा, यह क्या है, क्या है ये? चलें भाई, ये सवाल तो बड़ा उपयोगी है तुम लोगों के लिए, और इसका मतलब समझाने की कोशिश करना, है ना? चलें। तब बेटा कुर्बा किस भाषा में लिखा है सर जी, अब खुद ही बताओ। कर्नाटक की बात कर रहा हूं, है ना कुशवाहा साहब, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, इतना तो समझ रहे होंगे आप लोग। कर्नाटक है तो कन्नड़ भाषा बोली जाएगी, है कन्नड़ भाषा। थोड़ा सा इतिहास प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना, मैं दो मिनट का आप लोगों को समय लेता हूं, है ना। प्लीज आई इंसिस्ट, आप सबसे एक गुजारिश है कि थोड़ा सा इतिहास जरूर आप लोग पढ़ा करें। मैं कहता हूं कि चाहे आपको परीक्षा देनी हो या ना देनी हो, फिर भी जीवन को सहजता से जीने के लिए, है ना, हाँ हाँ, जीवन को सहजता से जीने के लिए आप लोग इतिहास एक बार जरूर पढ़ें, एक बार जरूर मेरे कहने पर जरूर पढ़ें। आप कहोगे गुरुजी इससे क्या मतलब, इससे इतिहास में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, भारत में नवीन भाषाओं की उत्पत्ति, नवीन भाषाओं की उत्पत्ति। प्लीज आई इंसिस्ट, है ना, एक बार जरूर पढ़ना नवीन भाषाओं की उत्पत्ति। जो ये हिंदी अंग्रेजी अपने आप को बड़े बड़े टीचर बनते हैं ना, इनसे आप एक बात करें, बात कर रहे हैं, हाँ यूपीजी के, अच्छा ओके ठीक है, चलते हैं भाई। हनुका या हनुका सुर्खियों में रहा, इजराइल का एक प्रमुख त्योहार है ये, है ना, एक त्योहार है प्रमुख यहूदियों के लिए, यहूदियों के लिए विशेष महत्व रखता है ये, यहूदियों के लिए विशेष महत्व रखता है। हमारी राष्ट्रपति महोदया ने, है ना, हमारी राष्ट्रपति महोदया ने बधाई दी थी, और ये चर्चा में भी रहा था, बड़ा पुराना इतिहास है, है ना, इसमें भी इतिहास की कहानी है, है ना, क्योंकि जानते होंगे यरूशलम, जेरूशलम की अगर बात करने जाए, जेरूशलम बड़ा खतरनाक स्थिति है, इस्लाम, इस्लाम यहूदी और ईसाई, ईसाई। एक कहावत सुनी होगी, है ना, एक अनार सौ बीमार, यहाँ एक अनार और तीन बीमार है, लड़ते रहते हैं अक्सर, कहानी लंबी है। भारत की सबसे लंबी स्केप सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, है ना, स्केप सुरंग जो आपातकालीन स्थिति में, हाँ अभिषेक यादव, आज दे दूंगा उसके आंसर, आज, हाँ आज शाम तक दे दूंगा, ठीक है ना, हाँ विकास गुप्ता, अरे नहीं आग वाग मत लगाओ, है तुम लोग तो समझदार आदमी हो, आग वाग लगाने के लिए बात करते हो इस तरह की। सबसे लंबी एस्केप सुरंग, एस्केप सुरंग का नाम इसलिए रखा गया बच्चों कि आपातकालीन स्थिति में इसमें निकलने के काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, इसलिए आपातकालीन स्थिति में इसमें से निकलने की। भारतीय रेलवे ने इंडो म्यांमार रेल लिंक परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग बनाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह एस्केप टनल सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य बनाई गई है। यह एस्केप टनल सुंबर और खारी के तहत बनाई गई है। जल्दी से बताएं इसमें कौन सा सही होगा, जल्दी से बताएं कौन सा सही होगा, बताएं भाई जल्दी से। अच्छा तुम लोग भी ना कमाल के हो, ठीक कमाल के, सुनना ध्यान से। इतिहास की क्लास जब पढ़ा रहा होता हूं, इतिहास की, तब उसमें पूछते हो यूपी जीके की क्लास कब चलेगी, जब करंट पढ़ा रहा होता हूं तो उसमें आप साइंस, कविता देखना आपके लिए स्पेशली, उसमें साइंस और किसकी, हिस्ट्री की क्लास, और साइंस पढ़ाते समय, ठीक है ना, हाँ जब साइंस पढ़ा रहा था मुझे याद है, तो उस समय साइंस पढ़ाते समय, सर साइंस तो ठीक है, हिस्ट्री कब पढ़ाओगे, हिस्ट्री कब पढ़ाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि शाम को जब 6 PM हिस्ट्री पढ़ाने जाता हूं तो 21 लोग आते हो, 21 लोग, और जब यूपी जीके पढ़ाता हूं तो 70 लोग। पढ़ना सबको है लेकिन आना नहीं है, करे क्या इंसान, हाँ करे क्या, अब बताओ आप बताओ, हाँ आप बताओ कैसे किया जाए,
कैसे किया जाए? देखो बच्चों, इसमें पहला तो गलत है, आप लोग जानते ही होंगे, केवल दो सही है, केवल दो सही है। ठीक है, इसकी कहानी बताते हैं, चर्चा करते हैं। आगे एक प्रश्न है इस पे, 22वां या 23वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के लाल चने को जीआई टैग प्रदान किया? लाल चना किसको जीआई टैग प्रदान किया गया? एक एक सवाल लगभग लगभग पांच पांच दस दस होता ना, कि पांच पांच दस दस पेज पढ़ने के बाद एक सवाल बनता है जो आपके उत्तर प्रदेश के एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है ना? हाँ, एक्सपेक्टेशन है अविरल, मैं जानता हूं इस चीज को। ठीक है ना, एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझसे और भी लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझसे और भी लोगों को, शायद मैं समझा पा रहा हूं कविता जी आपको भी और अविरल आपको भी, मुझसे और भी लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लोगे, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं, और भी ऐसे लोग हैं जहां उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा तो प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? बताओ, खुल के ही बोल दूं सब कुछ। लाल चना देखना भाई, अन्य सभी खाद्यान्न से अधिक प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ एक तरफ यूपी के पेपर रखता हूं, है ना, एक तरफ यूपी के पेपर और दूसरी तरफ करंट की मैगजीन लैपटॉप, है ना, फिर उसमें देखता हूं, अच्छा हाँ इस साल ये सवाल पूछा गया था, इस सवाल इस तरह का है ना, फिर अच्छा हाँ ये वाला न्यूज है, इसको उठा लेते हैं, यहां से प्रश्न बन सकता है, फिर वो करता हूं, है ना। हाँ, ये पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा। बेटा कुशवाहा साहब, तुम जाकर बेटा पोगो देखो, बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स से मुझसे उम्मीदें। अरे पेरेंट्स की उम्मीदें तो बहुत पहले ही छोड़ा है मैं, अब उनको कोई उम्मीद नहीं हमसे, है ना। हाँ, कह रहा है पेरेंट्स की उम्मीदें होंगी, तुम बेटा छोटा भीम देखो जाके, है क्या बोलते हो यार। अरे मैं कितनी बड़ी लेवल पर आपको ले चला, तुम जो है ना, हाँ तेलंगाना को कह रहा है पेरेंट्स को उम्मीद होगी। चले चले भाई चले, तेलंगाना के 16 उत्पादों में एक जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया, जीआई टैग ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग प्रदान किया गया। हाँ ठीक है। हाँ आफ्ताब, तुम्हारा कमेंट ऑफ नहीं है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अरे यार तुम कुशवाहा साहब समझ नहीं पा रहे हो बात को, जिस संस्था में काम करते हो संस्था के भी कुछ अपने नियम कानून होते हैं, उसकी तरफ बात कर रहा हूं। ये सवाल बेटा इसे इंपॉर्टेंट करके लिखना सब लोग, है ना, इंपॉर्टेंट करके लिखना। हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, रेड लिस्ट में। समझिएगा, हम बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की, तो पर्वतीय क्षेत्रों में, खासकर हिमालय के क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में औषधीय गुण वाले तीन पौधों की पहचान की गई, तीन औषधीय गुण वाले पौधों की पहचान की गई। आ जाओ इस तरफ चलते हैं। देखो, मेजोट्रोपिस पोलिट, है ना, फ्रिटिलारिया सेरोसा और ट्रेक्टालाइरो या हट्टागिरिया, नाम देख रहे जीव ऐसा लग रहा है किसी ने निचोड़ दिया है पकड़ के। देखिए, अगर इन तीनों की बात करने जाते हैं तो कहा जाता है कि इनका बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है। दोहन का मतलब समझते हैं, दोहन का मतलब, तुम्हें अगर कोई बता दे कि फलाना जानवर की सींग में एक ऐसा तत्व होता है जिसको अगर आप लोग कर लें तो आपके अंदर पौरुष बढ़ जाता है, मजाल है बेचारा वो जानवर अपनी सींग बचा पाए,
सरकार नियम लगा दे, कानून लगा दे, लेकिन वो सींग नहीं बचा सकती जिस सींग के माध्यम से, और हो सकता है शायद उसके अंदर ये गुण हो या ना भी हो, लेकिन उसे बचा पाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। हाँ, बचा पाना मुश्किल होता है। ऐसे ही देखने जाएं तो कहा जाता है कि इनका बड़े पैमाने पर, जैसे हमारे यहाँ शिकार होता है जानवरों का, इनको भी इस वनस्पति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इन तीनों को शामिल किया गया है, इसको नहीं, ठीक है ना। हिमालय की वनस्पतियां। नेक्स्ट है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो भी सुर्खियों में रहा, किस राज्य में स्थित है? आवाज आ रही है ना थोड़ी सी? आवाज अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अभी सुर्खियों में रहा, ये किस राज्य में है, है ना? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? इसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर, मनोहर पारिकर के नाम पर, के नाम पर रखा गया। एक पर्यटक स्थल है, जानते होंगे पर्यटक स्थल, गोवा की बात है, पौराणिक स्थल है, जानते होंगे गोवा, है ना, अक्सर लोग जाते हैं, है ना, देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए, बड़ा पौराणिक स्थल है, जाना कभी मौका मिले तो। मैं तो कभी जा नहीं पाया आज तक, है ना, लेकिन हाँ इच्छा जरूर है कि जाऊं एक दिन। लो भाई फिर से बेटा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखेंगे देखेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295 ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मामला ये पंजाब से जुड़ा हुआ है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब के सीएम ने इस पर टिप्पणी की थी, पंजाब के सीएम जिनका नाम आप लोग जानते होंगे भगवंत मान, भगवंत मान ने इस पर टिप्पणी की थी, इस पर टिप्पणी की थी। सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि भारत में किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है ना, हाँ रिलीजियस टेक्स्ट की अगर बात करते हैं, धार्मिक पुस्तक है या कोई धार्मिक आस्था है, उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति कमेंट कर देता है तो उसे 3 वर्ष की सजा और कुछ आर्थिक जुर्माना होता है। इन्होंने कहा यह गलत है और होना चाहिए, और होना चाहिए, ध्यान रखें। आईपीसी की अगर बात करने जाते हैं आप लोग, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड, तो इसमें अपराध, अपराध और अपराध की सजा लिखी गई है, अपराध की सजा। अंग्रेजों के समय पर हमारे यहाँ आईपीसी बनाई गई थी 1861 ईस्वी में, और उसमें भारत में दंड विधान की बात कही गई है, जैसे कहते हैं ना दफा 302 के तहत इनको सजाए मौत, वो दफा मतलब धारा, है ना, धारा कहाँ लिखी गई है? आईपीसी इंडियन पीनल कोड में, जिसमें बताया गया है कि अपराध किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इस अपराध में कहा गया इन दोनों धाराओं में कि धार्मिक अपमान या नुकसान करना, ये किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का हो, सरकारें उसके खिलाफ कार्रवाई करें, ठीक है ना, धार्मिक अपमान और नुकसान, ठीक। चले भाई नेक्स्ट, थोड़ा बहुत तो तुम भी जानते होगे। सुप्रीम कोर्ट की, ये सवाल जल्दी से बताना भाई, ये सवाल जल्दी से बताना। दिल्ली में एक 19 वर्षीय, दिल्ली में एक 19 वर्षीय लड़की का रेप होता है, लड़की का रेप, रेप, और रेप के बाद उसे मार दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। सामूहिक था इसके जितने भी, सामूहिक गैंग रेप, इसमें जितने भी अपराधी थे उनको जिला अदालत ने, जिला अदालत ने, ने मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड दिया। मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, कहां पर? दिल्ली हाई कोर्ट, 214 है ना हाई कोर्ट की धारा, सॉरी हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, हाँ 214। अरे रविंद्र, दया याचिका बेटा सुप्रीम कोर्ट में नहीं, दया याचिका तो राष्ट्रपति के पास होती है ना, ये राष्ट्रपति, इसका सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना, कैसे कंफ्यूज हो रहे हो, दया याचिका तो हो ही नहीं सकता, दया याचिका तो सीधी सी बात है राष्ट्रपति से संबंधित है, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, 3 प्रकार के होते हैं। दिल्ली का ये हाई कोर्ट ने भी इसे
भी इसे मृत्युदंड दिया, भी इसे मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड दिया। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के द्वारा इसे क्या कहा गया, फांसी की सजा माफ कर दी गई या फांसी की सजा उलट दी गई। जब भी इस तरह का कोई फैसला होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपील याचिका डाली जाती है। अपील याचिका, अपील करने का अधिकार किसके पास है, चाहे मेरा कोई केस हो या किसी के पास, किसी का कोई केस हो, पहले आप अपील करिए कि हम चाहते हैं कि आप एक बार इस फैसले को देख ले। अगर अपील के बाद भी नहीं सुनता है तो उसके बाद हम जाते हैं पुनर्विचार के लिए कि महोदय सुप्रीम कोर्ट आपने जो भी फैसला दिया है इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, एक बार आप इस पर पुनः विचार करें। पुनर्विचार अपील के बाद कौन सा होता है, पुनर्विचार। और पुनर्विचार में भी मान लेते हैं जैसे कि इन्होंने कहा, पुनर्विचार के बाद भी इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई हम तो अपने फैसले बड़ी गए, तो उपचारात्मक होता है, क्यूरेटिव अपीटिशन, इसको क्यूरेटिव कहते हैं कि एक बार उस जुर्म के, उस जुर्म की कैटेगरी को चेक करिए जिस तरह का अपराध किया गया है। अगर इस तरह के अपराध में आपने सजा नहीं दी तो हमारे समाज में एक तबका ऐसा आएगा कि वो स्वयं से खुद से बदला लेने लग जाएगा। और ध्यान रखना, न्यायपालिका का काम होता है बदला लेना नहीं, उपचार करना, जिससे कि समाज में इस तरह का दोबारा कोई घिनौना काम ना करे। इसलिए सबसे अंतिम में कौन सी याचिका होती है, जिसे हम क्यूरेटिव पिटीशन कहते हैं, उपचारात्मक याचिका, है ना, हाँ उपचारात्मक याचिका कहते हैं सबसे लास्ट में। और दया याचिका की बात करें बच्चों तो राष्ट्रपति के पास जाती है, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। किसी ने जवाब दिया था क्या इसका, हाँ किसी ने नहीं दिया था, कोई बात नहीं, बढ़िया सवाल था ये, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट, टॉयलेट्स 2.0 अभियान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की पहल है, किस मंत्रालय की पहल, वही स्वच्छता को बरकरार करने के लिए, ओपन डिफेक्शन फ्री करने के लिए, ओपन डिफेक्शन है ना, ओपन डिफेक्शन खुले में शौच आदि से मुक्त, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, आप लोग इससे परिचित होंगे। नेक्स्ट, भारत का पहला गोल्ड एटीएम, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर लगाया गया, जहां 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 करंट सोने के भाव के अनुसार, भाव के अनुसार अनुसार डेबिट डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से सोने के सिक्के खरीदे जा सकते हैं, सोने के सिक्के सिक्के खरीदे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। कहां पर, हैदराबाद में, कहां पर, हैदराबाद में पहला गोल्ड एटीएम कहां पर लगाया गया, हैदराबाद में, ठीक है ना भाई, हैदराबाद में। नेक्स्ट, 23वां सवाल, हाल ही में बपीपा बलीपा नारायण भगवत सुर्खियों में थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, जल्दी से इसका आंसर दो बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दो। भारत में एक विशेष प्रकार की गायन शैली, सोने के सिक्के मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, खरीदने पड़ेंगे बाबा, मिलने लगे तो फैसला हैदराबाद ही पहुंच जाएगी सारी की सारी पब्लिक, ऐसे न बोला करो भाई, ऐसे बोलोगे तो पक्का है किसी दिन दिक्कत हो जाएगी। गुड मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग, देखना बच्चों इनकी बात करते हैं तो ये यक्षगान, यक्षगान गायक, प्रसिद्ध यक्षगान गायक है, प्रसिद्ध यक्षगान सुना होगा, यक्ष तथा यक्षिणी की मूर्तियां बनाई जाती थी प्राचीन काल से, उनके सामने उनको खुश करने के लिए गायन गायन शैली होती थी, उसी गायन शैली की अगर आप बात करने जाएं तो, हाँ बहुत बढ़िया, गायन एवं कला, गायन एवं कला से संबंधित है। 24वां सवाल देखेंगे, हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बाल कृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, देखना भाई इस पुरस्कार को, इस पुरस्कार को कंप्यूटर कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार,
क्षेत्र का नोबेल नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, पुरस्कार कहा जाता है, कहा जाता है। अमेरिका की अमेरिका के विश्वविद्यालय या अमेरिका के मार्कोनी संस्था के द्वारा दिया जाता है, संस्था के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया गया वर्ष 2023 में? तो ध्यान रखें वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को, दक्षिण भारत से संबंधित इनको। इसे कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अंतिम प्रश्न आज के लिए, हाल ही में एएसआई ने किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है? 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज किसने की है, किसने? एएसआई जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, लॉर्ड कैनिंग के समय पर बना था, लॉर्ड कैनिंग के समय पर अलेक्जेंडर कनिघम के नेतृत्व में, पहले अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर कनिघम। किस राज्य में 1300 वर्ष पुराने अर्थात 7वीं-8वीं सदी के क्या स्तूप मिले हैं? स्तूप जिसका अर्थ आप लोगों ने बौद्ध धर्म के साथ जोड़कर देखा है, स्तूप जो मृत्यु से संबंधित, मृत्यु से संबंधित स्तूपों की अगर हम बात करने जाएं तो स्तूपों का निर्माण प्राचीन भारत में बड़े पैमाने से किया गया, ठीक है ना, बड़े पैमाने पर किया गया। किस राज्य में इसकी खोज की गई है 1300 वर्ष पुराने? अभी भी बता रहा हूं कि इन प्रश्नों को चाहो तो यहां पर टॉलरेट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन प्रदीप भाई इन प्रश्नों को अभी भी बता दे रहा हूं कि यहीं पर खड़े होकर जब स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि ये लो प्रश्न, और उस समय बता रहा था कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे दिमाग में रख लो, ठीक है ना। सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं यहां से, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जय प्रदीप भैया, वो आई नहीं, कल भी पता कराया। आप में से कोई बच्चा अगर हो तो इस बात की पुष्टि करे, वो जो बुक मैं कह रहा था वो आई ही नहीं अब तक, पता नहीं क्या हो गया है। हाँ हाँ सी सेट, अरे पुरानी मोहित कुमार यादव सर, आप तो इतिहास पढ़ाते थे। बेटा इतिहास कब पढ़ाता था मैं? आज तक का रिकॉर्ड रहा, मैंने आज तक कभी इतिहास ना तो पढ़ा है ना पढ़ाया है, इतना घटिया सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा पढ़ाएगा। मोहित जी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाता था इतिहास, और आज भी नहीं पढ़ाता कभी भी। मैं शुरुआत से करंट अफेयर ही पढ़ाता था, आप लोग ध्यान नहीं दे पाए, करंट अफेयर ही पढ़ाता था, और कभी कभार समय मिलता है तो यूपीजी के, ठीक है ना मोहित भाई। हाँ उड़ीसा में मिली है 1300 वर्ष पुरानी, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक और बता दूं, ठीक है ना। हाँ देख लिया मैंने सी सैट का, करते हैं सी सैट की बात। अरे कल आपसे बात करना चाह रहा था, आपने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया बेटा, तो कैसे बात करता, ठीक है ना। हाँ चले चले भाई, आज के लिए इतना ही, यहीं पर रोकेंगे बच्चों, कल की क्लास में मुलाकात करेंगे आप लोगों से। मिशन वर्दी में? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, मैं आज तक कभी इतिहास पढ़ाया ही नहीं है ना। हाँ मैं आज तक कभी इतिहास नहीं पढ़ा, इतिहास मुझे आता ही नहीं, पढ़ाऊंगा कहां से, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हो शायद, आप किसी और टीचर का नाम रहा होगा, आप मेरे साथ कंफ्यूज कर रहे हो। थोड़ा सा मेरी शक्ल देखो, कहीं किसी अब एंगल से लगता है कि मैं इतिहास पढ़, अरे इतिहास इतना बड़ा सब्जेक्ट हमारे बस में नहीं है भैया वो, ठीक है ना। हाँ बाकी 12 बजे मिलते हैं आप लोगों से यूपी जीके वाली क्लास में, ठीक है ना। 12 बजे यूपी जीके वाली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और हाँ एप्लीकेशन वाले आ जाओ बेटा, एप्लीकेशन वाली क्लास जो है ना सूर्या बैच की। बाकी रीजनिंग स्पेशल क्लासेस आपके लिए दीपक सर लेकर आए हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में रीजनिंग को लेकर तकलीफ है ना, रीजनिंग को लेकर तकलीफ है, तो एक बार जरूर दीपक सर की क्लास होती है अभी 8 बजे, 8 AM, एक बार सर की क्लास जरूर ज्वाइन करना, चाहे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जहां पर रीजनिंग पूछी जाती है ना। मेरे साथियों नतमस्तक करता हूं, है अभी आने वाले होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग है ना, हाँ ठीक है, वो आते होंगे, उनसे मिलना एक बार, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही साथियों, आज के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ आप लोगों को अभी देता हूं, इसका पीडीएफ देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना।